स्वागत है कि आप सब लोगों ने हम सब के नेता और खास करके राय साहब की मेरे अभिभावक राय साहब की यहाँ बैठे हुए रामत्रे राय जी और यहाँ बैठे हुए तमाम वरिष्ठ कांग्रेस जन सबके बहुत बड़े आदरणीय श्रीमती सुधा राय जी, हम सबके बहुत बड़े पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश बहादुर सिंह जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैठे सब राय साहब की आत्मा से जुड़े हमारे प्रियजन, मेरे आदर्श और मेरे आमंत्रण पर आए चर्चा सुमन अर्पित करने राय साहब के चाहने पर आदरणीय सुरेश बहादुर सिंह जी जो राय साहब के साथ ही रहते थे और राय साहब उनके साथ और जब तक राय साहब रहे उन्हें चट्टान जैसे वो समझते थे और राय साहब समझते। राय साहब के बाद सुधा राय बड़ी दुखियाली हालत में थी जो हमारे बारे में बात आती सब लोग मिलके राय साहब की ऊंचाई तक पहुंचने और पहुंचाने का काम करते थे। किसी भी काम को करने वाला कोई समझाने वाला कोई चलने वाला नेतृत्व चाहिए होता है और वो नेतृत्व मैंने सुरेश बहादुर से बोल दिया और आज तक सम्मान करती हूँ और सुरेश बहादुर जी चले आइएगा नहीं आना ही आपको इस कार्यक्रम में क्योंकि आपके एक शब्द ने मुझे ये कार्यक्रम रखने पे मजबूर कर दिया कि वहां कर कल्पना जी को श्रद्धांजलि नहीं अर्पित की जाएगी। हमेशा आप अर्पित कराते थे क्या हो गया 24 सालों में कि आपकी भावना ये हो गई कि आप लोग कर ले रहे हैं आप लोग नहीं करेंगे आप ही करेंगे हम करेंगे ये सब करेंगे और ये जितने आए अभी ये करेंगे क्योंकि कल्पनाचार्य जी ने पार्ट के काम नहीं किया था सबके लिए किया था और शायद आपको सबसे ज्यादा मानते थे और यही कारण मैं वैष्णवी राय हूँ कल्पनाथ राय की सबसे छोटी लड़की और मैं AICC मेंबर हूँ। आज किस तरह कार्यक्रम हो रहा है क्या कहें आज के बारे में बताइए किस तरह आज कल्पनाथ राय की पुण्यतिथि है और उसमें और हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको याद रखा जाए ताकि उन मऊ का बच्चा बच्चा उनको याद रखे और उनके विकास के काम को याद रखे क्योंकि आज मऊ के पास कोई अच्छा आदर्श नहीं है जिसकी तरफ लोग सर उठा के देख सकें और वो केवल कल्पनाथ राय हैं जो आदर्श बनने के काबिल हैं और जिनको लोगों को याद रखना चाहिए तो इसीलिए ये कार्यक्रम हो रहा है। थैंक यू मैम। यहाँ पूजा प्रकाश जी मैम किस तरह का कार्यक्रम यहाँ राय साहब की पुण्यतिथि जी उनकी पुण्यतिथि के अवसर पे यहाँ श्रद्धांजलि सभा है और कांग्रेस में भ्रष्टाचार महंगाई और बेरोजगारी को लेके जो आंदोलन चल रहा है उसकी दूसरी सभा है जिसमें हम सभी कांग्रेस के यहाँ से उठ के भी जाएंगे और जहाँ जहाँ से भी आ रहे हैं वहाँ से भी पहुँचेंगे और वो सिर्फ सभा नहीं होगी एक हुंकार होगा जो पूरे ललकार के साथ मऊ से शुरू होगा और पूरे जिले तक जाएगा पूरे प्रदेश तक जाएगा। देखिए आज एक सेकंड
पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास की आधारशिला रखने वाले हैं, मऊ जनपद के निर्माण, मऊ जनपद के अंदर जो विकास कार्य है, और न सिर्फ मऊ बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की जो लौ जलाने वाले आदरणीय कल्पनाथ राय जी की आज पुण्यतिथि है, उस पर श्रद्धांजलि सभा है। और आज के दिन ही हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग जागो जनता अभियान एक अभियान शुरू करेंगे, जिसके माध्यम से जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, और उससे भी बड़ा जो पूर्वांचल के अंदर जो विकास रुका पड़ा है, जो कल्पनाथ राय जी की जो विकास की धारा है, जो वर्तमान सरकार और आने वाली सरकारों ने जो उसको रोक रखा है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद और विधायक हैं, जो देश और प्रदेश में बैठी हुई सरकार है, जो कल्पनाथ राय जी की जो विकास की जो अवधारणा थी उसको जो समाप्त करने पर लगी हुई है, उसके खिलाफ आज मऊ जनपद से हम सब लोग संघर्ष का बिगुल बजाएंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि जब हम कल्पनाथ राय जी की पुण्यतिथि आज मना रहे हैं, तो आने वाले दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और विकास के सवाल पर एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी खड़ा करेगी। इस उद्देश्य के साथ हम सब लोग यहाँ आए। दो जगह पर मनाई जा रही है, कार्यालय पे भी, यहाँ पे भी? नहीं, कार्यालय पर परंपरागत रूप से पहले से भी कार्यालय पर मनाने की परंपरा रही है, वो कोई अलग बात नहीं है, और यहाँ भी मनाई जाती है। तो सब कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम है, सब कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ के देखें। ज्ञानवापी पर क्या कहेंगे? वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उस सब चीज़ों पर अपनी लाइन स्पष्ट रखी है।